में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। इसके प्रीवियस वीडियो इसके मीनिंग पर और इसके इम्पोर्टेंस पर बन रखिए गाइस, जिसमें मैंने बताया आपको क्या सुनो चार लड्डू लाना। सो अगर आपने ये लाइन याद कर ली ना, तो इट मींस आपने इसकी इम्पोर्टेंस याद कर लिया। तो अगर गाइस आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस एक ईजी वे में याद हो सके, ठीक है। और गाइस अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अब गाइस फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में आपका फाइनेंशियल प्लानिंग टॉपिक है, ठीक है, जिसका मीनिंग हमने किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि मैनेजमेंट जो है वो एक बिग टर्म है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजंस लेते हो एंड जो बेसिकली शेयर होल्डर्स की वेल्थ को देख के किया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इंटरनल है, कि आपको बिजनेस में जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हो, तो आपको पैसे की कमी ना पड़े, आपका बिजनेस स्मूथ वे में चलता रहे। सो दैट इज द प्लानिंग। मैनेजमेंट आपको पता है, मैनेजमेंट एक बिग टर्म है जिसमें 5 फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग उसका पार्ट होता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट बेसिकली, जो आपके बिजनेस को स्मूथ रनिंग में हेल्प करता है। आज के इस वीडियो में हम गाइस कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कितने टाइप की होती है और उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग ना 2 टाइप की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म। देखो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसा उसका नाम है, लॉन्ग टर्म आपके गोल से रिलेटेड है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है, आपको लॉन्ग टर्म क्या ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड है, आपने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है उससे रिलेटेड है। यानी कि ये बेसिकली, अगर मैं आपको बोलूँ, सो बिजनेस में किस चीज़ से रिलेटेड है, कि आपका क्या एम है, आपका आपको ग्रोथ करनी है तो आप कितनी सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको करनी है। यानी कि अगर आपकी अभी सेल 30 करोड़ की है, तो अगर आपको 60 करोड़ करनी है, 90 करोड़ करनी है, सो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है, जिसमें आपको कितना पैसा चाहिए होगा, कहाँ से आएगा, ये सब है। एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है गाइस, जो आपको लॉन्ग टर्म तक पहुँचने के लिए जो छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं, दैट इज दिस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, जो बेसिकली आपके बजट से रिलेटेड है। यार इतना पैसा इस महीने हमें खर्च करना है, इतने की सेल होनी चाहिए हमारी, दैट इज दिस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब गाइस इसका क्या प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जब भी आप फाइनेंस की प्लानिंग करते हो, तो सबसे पहले आपके पास सामने एक एम होना चाहिए, कि भाई हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास एम होना चाहिए। सो इसमें एम क्या होता है, आपकी सेल फोरकास्ट। सबसे पहले क्या, प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट, आपको प्रिपरेशन करनी है, बनाना है अपनी सेल फोरकास्ट, कि आप क्या चाहते हो, आप कितनी सेल इंक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस कुछ ना कुछ चीज़ें बेचने आया है, सेवा करने तो आया नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। तो जो भी चीज़ वो बेचने आया, तो उसे अपनी सेल फोरकास्ट करनी है, कि भाई मैंने अपनी सेल का टारगेट 60 करोड़ रखा है, सपोज करो 60 करोड़ रखा है। सो आपको अपना सेल फोरकास्ट सबसे पहले तय करना होगा, क्योंकि आप आने वाले 5 साल तक का फ्यूचर अपना जस्टिफाई करके चलते हो। आप कभी भी 6 महीने 1 साल की प्लानिंग नहीं करता, कोई भी बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, कि मेरा 5 साल का क्या टारगेट है, मेरा 10 साल का, 7 साल का लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। सो सबसे पहले आपको सेल फोरकास्ट देखनी है, कि भाई मेरा क्या टारगेट होने वाला है, मेरी कितनी सेल में इंक्रीज करना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जब आपने सेल फोरकास्ट कर ली ना, मेरे को कि 60 करोड़ की मुझे अपनी सेल इंक्रीज करनी है, सो अब आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, कि इसके लिए मुझे कितने पैसे की नीड होगी, मुझे फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए होगी, मुझे कितने इक्विपमेंट्स लगाने की जरूरत है, मुझे वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हो, यानी कि आपने पहले अपना गोल डिसाइड किया, उसके बाद आपको वो पैसा, क्योंकि गोल को पूरा करने के लिए आपको सामान की जरूरत है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए कि आपको कितने पैसे की फिक्स कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल की नीड है। थर्ड, आपने एस्टिमेट किया अपना प्रॉफिट। ये क्या होता है, कि आप जब बिजनेस चलाते हो तो प्रॉफिट भी तो कमाओगे ना, अब वो प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, उसके बाद जो बचेगा वो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, राइट। सो आप एस्टिमेट करते हो कि बिजनेस को चलाते चलाते कितना प्रॉफिट हमें होने वाला है, ताकि हमें इंटरनल पैसा अरेंज हो जाए हमारा, ये ठीक है। सो जब इंटरनली हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि इतना पैसा हमारे पास अरेंज हो जाएगा, तो फोर्थ हम अरेंज क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड। कि अब हमारे पास देखो, जब हम बिजनेस चलाएंगे तो अगर हमारी 10 लाख की सेल हुई है, तो उसमें से हमारा 2 लाख का अगर प्रॉफिट मार्जिन है, 1 लाख शेयर होल्डर्स को दे दिया, 1 लाख बचेगा। अब हमें क्या करना है, कि हमें बाहर से कितने पैसे की ज़रूरत है, तो एक्सटर्नल आप फंड कहाँ से रेज करने वाले हो वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं गाइस अपना कैश बजट। कैश बजट गाइस इन्हीं 4 टॉपिक, मतलब इन्हीं 4 प्रोसेस
या स्टेप के बेस पर होता है कि लाइक आपको कैश कहाँ कहाँ से आने वाला है. कैश बजट में बेसिकली ये होता है कि भाई कहाँ से हमारे पास पैसा आने वाला है, कहाँ कहाँ हमारे कैश एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, हमारे कहाँ कहाँ पैसा जाने वाला है, कहाँ से आने वाला है. सो पूरा बजट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि हमें कहीं पर भी पैसे की कमी ना रहे, ठीक है. अगर हमें लगता है कि भाई यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में हमें इतना सामान की ज़रूरत है, इतने पैसे की ज़रूरत है, तो हमें कमी ना रहे, हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि हमें ये पैसा यहाँ से अरेंज करना है. सो कैश बजट प्रिपेयर करना है. सो गाइस, ये 5 स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपने क्या किया, अपना एम डिसाइड किया, दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ द सेल फोरकास्ट. एस्टिमेशन सेल फोरकास्ट करने के बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई. एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एस्टिमेशन कह लो या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल का डिसीजन लेते हो. देन एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, आपको कितना प्रॉफिट होगा और वो इंटरनली आपने अरेंज कर लिया, तो एक्सटर्नल कहाँ से करना है. सो एस्टिमेशन ऑफ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंड, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट. तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है. सो गाइज, ये थे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस. आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे. अगर समझ आए तो गाइज क्या करना है बताइए ना. सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी.